आज मार्केट में इतने बिजनेस के विकल्प मौजूद हैं कि आप आसानी से कोई सा भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन हर एक बिजनेस की अपनी अपनी डिमांड और कॉम्पिटिशन होती है। इसलिए बिजनेस ऐसा करना चाहिए जिसका मार्केट में अच्छी डिमांड हो, अच्छा स्कोप हो और कॉम्पिटिशन भी कम हो। तो एक ऐसा ही बिजनेस है जिसका नाम है नेल्स मेकिंग बिजनेस, जिसको आप वायर नेल्स मेकिंग बिजनेस भी कह सकते हैं, या फिर जिसे आप हिंदी में लोहे की कील और कीला भी कहते हैं कई देशों में, कई प्रदेशों में। तो इस बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन जो दिख रहा है उसे प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि आगे की आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इस वीडियो का कंटेंट क्या है और इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि वायर नेल्स मेकिंग बिजनेस क्या है, ये वायर नेल्स कितने टाइप के आप बना सकते हैं इस बिजनेस में। तीसरे नंबर पर बात करेंगे कि वायर नेल्स मेकिंग बिजनेस में आपको रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा। चौथे नंबर पर बात करेंगे कि वायर नेल्स मेकिंग बिजनेस में आपको मशीन कौन सी लगेगी। और पांचवें नंबर पर हम आपको बताएंगे कि ये नेल्स मेकिंग बिजनेस में आप मशीन और रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदें। छठवें नंबर पर हम आपको बताएंगे कि वायर नेल्स मेकिंग बनाने की विधि क्या है, मेथड क्या है। और सातवें नंबर पर हम बात करने वाले हैं कि यूटिलिटीज़ आपको क्या क्या लगने वाली है इस वायर नेल्स मेकिंग बिजनेस में। और आठवां बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें हम आपको बताएंगे कि इस टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा इस वायर नेल्स मेकिंग बिजनेस में, जिसमें हम रॉ मटेरियल का इन्वेस्टमेंट भी बताएंगे, साथ में आपको मशीन का इन्वेस्टमेंट भी बताने वाले हैं। और नवे नंबर पर हम बात करेंगे कि इसमें टोटल प्रॉफिट कितना होगा इस बिजनेस में। पूरा हम लागत देख लेंगे और पूरा कमाई देख लेंगे, उसमें से आपका प्रॉफिट कितना होगा इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे अंत में आपको बताएंगे कि एक बार आपके पास वायर नेल्स हैं, अब इनको आप कहां पर सेल करें, कहां पर बेचें, जिससे कि आप अच्छे तरीके से इस बिजनेस में पैसा कमाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पॉइंट क्या है कि वायर नेल्स या लोहे की कील बनाने का बिजनेस क्या है। दोस्तों इस बिजनेस में आपको रॉ मटेरियल और मशीन की सहायता से लोहे की कील बनाकर मार्केट में सेल करना होता है, यही वायर नेल्स या लोहे की कील बनाने का बिजनेस है। इस बिजनेस में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप 80 से 90 हज़ार रुपये महीना या फिर इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं, अगर आपने अच्छी से मार्केटिंग कर ली हो तो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों के वायर नेल्स के टाइप्स क्या होते हैं। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, मुख्य रूप से एक कॉमन होती है, एक बॉक्स टाइप में होती है, तीसरी होती है केसिंग टाइप की, और चौथी होती है फिनिश टाइप की, और पांचवी होती है ब्रेड टाइप की। ये बेसिक टाइप्स हैं जो कि नेल्स के हैं, जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। आप या तो ये कर सकते हैं कि हर अलग अलग तरीके की, अलग अलग इंच की, अलग अलग साइज़ की आप वायर नेल्स बना सकते हैं, या फिर एक ही तरीके की वायर नेल्स भी आप मार्केट में उपलब्ध करा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की मशीन में डाई यूज़ कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि रॉ मटेरियल क्या लगेगा। तो नेल्स वायर जो अलग अलग क्रॉस सेक्शन के होते हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं। साथ में ही मैं आपको बताऊंगा कि आप ये कहां से खरीदें। तो ये वायर आप लेकर और ख़रीद कर आप रॉ मटेरियल अपनी मशीन इस बिजनेस के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये सब रॉ मटेरियल आप लाकर आसानी के साथ खरीद सकते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस बिजनेस में मशीन क्या लगेगी। तो मशीन की अगर बात करें तो दो तरीके की मशीन लगने वाली हैं। पहली मशीन लगेगी कि आपको नेल्स वायर मेकिंग मशीन, जिसमें कि आपको नेल्स बनाई जाएंगी, और जब ये मशीन आपकी नेल्स बना देगी तो इसके बाद इन जो नेल्स हैं या लोहे की कील है इनको करना पड़ेगा पॉलिशिंग, जिससे कि इनका अच्छा फिनिश हो जाए। तो आपको दूसरी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, नेल्स पॉलिशिंग मशीन। मशीन कैसे खरीदें, कितना इसका कॉस्ट आएगा, ये हम आपको अभी बताने वाले थे। अगला हमारा टॉपिक यही है कि इस बिज़नेस को करने के लिए आपको रॉ मटेरियल और मशीन कहाँ से खरीदें। अब बात कर लेते हैं कि ये किस तरीके से ये मशीन वायर नेल्स बनाती है। तो आपको करना क्या होता है, मशीन में सांचे रहते हैं, मशीन में कई तरीके के सांचे रहते हैं कि आप कितना इंच का बनाना चाहते हैं वायर नेल्स, या फिर लोहे की कील, या फिर कितना मोटा बनाना चाहते हैं, या फिर किस टाइप का बनाना चाहते हैं। तो ये सांचे आप जहाँ से मशीन खरीदेंगे वहाँ से आपको मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपको क्या करना होता है कि जो आपने रॉ मटेरियल का वायर लिया है उसको फैला के मशीन में डालना होता है। मशीन में डाई रहती है, वो कट करती रहती है और आपकी वायर नेल्स बनती जाती हैं। अब दूसरा जो मशीन है उसको यूज़ करना है। जब आपकी वायर नेल्स बन जाती हैं, अब उनको डालना है पॉलिशिंग मशीन में। पॉलिशिंग मशीन में डालने के बाद वो पॉलिशिंग कर देती है, और इस तरीके से आप इस बिजनेस में वायर नेल्स बना सकते हैं।
दूसरा ऐसा भी है दोस्तों, कई ऐसे ऑटोमेटिक मशीन उपलब्ध हैं मार्केट में जो कि पॉलिशिंग प्लस कटिंग दोनों ही तरीके की एक ही मशीन काम कर देती है। तो अगर आपके पास वो मशीन उपलब्ध है तो वो भी बहुत अच्छा काम कर सकती है, जिसमें आपको पॉलिशिंग मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों इस बिज़नेस में यूटिलिटीज़ क्या क्या लगेगी। तो यूटिलिटीज़ की बात करें तो पहला जो यूटिलिटीज़ लगेगा दोस्तों वो है पावर, मतलब बिजली। ये डिपेंड करेगी मशीन पर दोस्तों, मशीन आपको कितने प्रोडक्शन की लेना है, मशीन आपको मैनुअल लेना है या सेमी ऑटोमेटिक लेना है या फुली ऑटोमेटिक लेना है, ये डिपेंड करेगा आपका पावर कनेक्शन। तो पावर जितनी अच्छी मशीन होगी उतना ज़्यादा पावर लेगी, तो उस हिसाब से आपको बिजली की ज़रूरत पड़ने वाली है। दूसरे नंबर पर जो ज़रूरत पड़ेगी वो पानी, पानी उपलब्ध रहता है लेकिन फिर भी आपको अगर पानी उपलब्ध आसानी से नहीं है तो आपको नगर पालिका या फिर आपका जो भी म्यूनसिपल है वहाँ से संपर्क करना पड़ेगा, या फिर खुद का भी ट्यूबवेल आप लगाकर पानी की ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। तीसरा नंबर का जो यूटिलिटीज़ है वो मैन पावर। दोस्तों मैन पावर की अगर बात करें तो दो मैन पावर आपको मिनिमम लगने ही वाला है। पहला मैन पावर आपको लगेगा दोस्तों इस बिज़नेस के जो वायर नेल्स हैं इनको बनाने के लिए, दूसरा जो मैन पावर लगेगा आपके जब वायर नेल्स बन जाएंगे तो उनको मार्केट में आपको पहुंचाने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए, सेल करने के लिए आपको एक बंदे की ज़रूरत पड़ेगी। और तीसरी जो चौथा हमारा जो अगर यूटिलिटीज़ की बात करें तो वो है जगह। दोस्तों ये जगह डिपेंड करती है कि आपकी मशीन कितनी बड़ी है मशीन को रखने के लिए, या फिर और जगह की ज़रूरत पड़ेगी आपको जब रॉ मटेरियल बल्क में आप लाते हैं तो उसको कहाँ पर रखें, तो वहाँ पर भी जगह का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। और तीसरा नंबर जब आपको जगह की ज़रूरत पड़ेगी वो है आपका प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको स्टोर करने के लिए भी। तो जगह का चुनाव इस तरीके से करना चाहिए कि मशीन का कितना जगह ले रही है, आपको रॉ मटेरियल कितनी जगह में रखना है, साथ में एक बार प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको कितना आपको रखना है। तो ये तो ही टोटल यूटिलिटीज़ के बारे में। अब सबसे मेन पॉइंट जो है उस पर बात कर लेते हैं कि इस बिज़नेस में आपको टोटल कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो दोस्तों आपने ऑनलाइन भी अभी देखा कि वायर नेल्स कितने का आ रहा है, लगभग 30 से 35 रुपए पर केजी आपको जो नेल वायर है वो लगने वाला है। और अगर इसमें दूसरी कुछ कॉस्ट लगा दें जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, ऑपरेटर की सैलरी है, मेंटेनेंस है, लेबर, ये सब 2 से 3 रुपए भी अगर आप लगा लेते हैं तो लगभग 38 रुपए पर केजी आपको रॉ मटेरियल लगने वाला है। मतलब जब एक आप पर केजी बनाएंगे जो वायर नेल्स बनाएंगे उसमें 38 रुपए का खर्च ही आपको आएगा। मशीन हमने ऑनलाइन देखा है दोस्तों, नेल वायर मेकिंग मशीन लगभग 65,000 से 10 लाख तक आप आसानी के साथ ले सकते हैं। और पॉलिशिंग मशीन भी हमने देखा 60,000 से 2 लाख के रूप में आपको पॉलिशिंग मशीन भी आ जाती है। तो अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें, मशीन को एक तरीके से हटा दें और अगर रॉ मटेरियल से आप जब नेल्स वायर बनाएंगे या फिर जो लोहे की कील बनाएंगे वो 1 केजी आपकी लोहे की कील 38 रुपये में बनकर तैयार हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इस बिज़नेस में टोटल प्रॉफिट कितना होगा। दोस्तों वो भी हमने अभी देख लिया है किस तरीके से प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप मार्केट में 1 केजी लोहे की कील जाते हैं लेने के लिए तो 40 रुपये से 50 रुपये पड़ता है, और तो इस तरीके से आप 2 से 12 रुपये का मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर आपकी मशीन का प्रोडक्शन पर डे लगभग 600 केजी होता है, देखिए आप जितनी ज़्यादा बड़ी मशीन लाएंगे उसका उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो अगर 600 केजी होता है और अगर 1 केजी पर मान लीजिए कि 5 रुपये ही आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आप पर डे का लगा लीजिए 3,000 रुपये पर डे आप कमा सकते हैं अगर ये 600 केजी आपने मार्केट में सप्लाई कर दिया है तो भी। और अगर ये 3,000 पर डे कमाते हैं और 30 का अगर इंटू कर देते हैं तो महीने का लगभग 90,000 रुपये हो रहा है। तो इस तरीके से आप अगर 600 केजी का जितना भी आपका कील बन रहा है उसको अगर मार्केट में सप्लाई कर देते हैं, मार्केट में सेल कर देते हैं, तो 90,000 रुपये प्रति महीना इस बिज़नेस से आप कमा सकते हैं। ये जो प्रति महीना 90,000 है ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं और कितना सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जानने योग जरूर है। अब बात कर लेते हैं कि इस बिज़नेस में आपका कील बन गया, अब इनको मार्केट में कहाँ पर आप इनको बेचें। तो पहला जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जनरल स्टोर या फिर हार्डवेयर स्टोर। हार्डवेयर स्टोर पर बहुत सारी कील्स रहती हैं, तो आप जो भी आप बेचें, आपका कील जो भी बन रहा है वो हार्डवेयर पर बेचें। कहाँ बेचें, ये तो हुआ वायर नेल्स या आप लोहे की कील बनाने का बिज़नेस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर कुछ और जानना चाहें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक फिर एक नया वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।